तो पहले पार्ट में हमने देखा, चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराया, और जो शुरू के 2 पेजेस थे उन 2 पेजेस को पढ़ा हमने, कैसे जो ये स्टूडेंट रहता है, जो ऑथर रहता है, वो डरा रहता है अपने टीचर से, और फिर बाद में कैसे कैसे करके वो क्लास में जाता है, और उस दिन एम हेमल जो उसके क्लास टीचर होते हैं उसको कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं डांटते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम सेकेंड पेज के 5th लाइन से। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वी आर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। उसको वो बैठा, न्यूट्रलाइज हुआ क्लास में जाकर। उसने पहली बात तो उसको जो अमेज की वो सर ने कि भाई सर नए कपड़े पहन के आए हैं, स्पेशल ड्रेस में हैं, ऐसे ड्रेस में हैं जो कि सिर्फ वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहनते हैं या फिर इंस्पेक्शन के दिन पहनते हैं। उसके बाद जब उसने चारों तरफ नज़र घुमाई क्लास में देखा, तो उसने देखा कि जो सबसे पीछे वाली बेंचेस हैं जो हमेशा खाली रहती हैं, उन बेंचेस पे आज स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स कौन हैं? जो गांव के बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा ओल्ड पीपल हैं, जैसे कि हॉस्टलर एक कारीगर है अपने 3 कॉर्नर्ड हैट के साथ, फॉर्मर मेयर, इसके पहले का जो मेयर था विलेज का वो है, इसके अलावा पोस्ट मास्टर, इसके पहले के पोस्ट मास्टर हैं, मतलब बूढ़े जो लोग सब हैं, जो मतलब काम अपना छोड़ चुके हैं, जो फॉर्मर जो सब हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उन बूढ़े वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉस्टलर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थंब्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। सब लोग जो है वो दुखी हैं, चाहे वो पोस्ट मास्टर हो, वो मेयर हो, हॉस्टल हो, सब लोग दुखी हैं वहां पर। और जो हॉस्टल जो है, जो कारीगर जो है, उसने एक प्राइमर लाया है। प्राइमर मैं आपको बता दूं, वर्ड मीनिंग की जो छोटी छोटी बच्चों की किताब होती है उसको बोलते हैं। तो उसने एक काफी पुराना सा ओल्ड बुक लाई है, ओल्ड प्राइमर की बुक लाई है, जो कि काफी पुरानी स्थिति में है, जिसको उसने अपने नीज वगैरह पे रखा हुआ है, और उसको अपने पूरे ग्रेट स्पेक्टेकल से, मतलब विद फुल कॉन्सेंट्रेशन ही इज लुकिंग ओवर द बुक, ही इज लुकिंग एट द बुक। व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन व्हिच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। जब मैं इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, समझ रहा था, तभी एम हैमल जो है वो चेयर पर बैठे बहुत ही विनम्र स्वर में, बहुत ही जेंटल टोन में उन्होंने हम सबसे कहा कि भाई स्टूडेंट्स, ये जो है आज का जो क्लास है, ये हमारा लास्ट क्लास होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास ऑफ जर्मन, सॉरी नॉट जर्मन, ऑफ फ्रेंच। माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच न्यू ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलसेक एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। उन्होंने बताया कि आज का जो पीरियड है, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, वो समझ लीजिए कि फ्रांस का अंतिम क्लास आपके लाइफ का होना है, क्योंकि बर्लिन जो हेडक्वार्टर है वहां से ऐसा इंफॉर्मेशन आया है कि अब एल्सेक और लॉरेन, ये जो दो जगह हैं, इन दो जगहों पर जर्मन ही पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ स्कूल में, स्कूल्स में फ्रेंच नहीं पढ़ाए जाएंगे। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, जैसे ही उन्होंने बोला तो ये कितना बड़ा थंडर क्लैप था, मुझे इतना सदमा लगा, आई वॉज कंप्लीटली ब्लैंक। ओह द रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। और मुझे उसी समय समझ में आ गया कि टाउन हॉल पे जो भीड़ लगी हुई थी वो किस चीज की लगी हुई थी। ऑब्वियसली वहां पर जो है यही ऑर्डर फरमान, शाही फरमान लगा हुआ था, माय लास्ट फ्रेंच लेशन, व्हाई आई हार्डली नो हाउ टू राइट।
I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's egg or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I could not give up, and M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब सडनली सोचिए कि आप ही लोगों को अगर बोल दी जाए कि भाई आज से आपको हिंदी नहीं पढ़नी है, इंग्लिश नहीं पढ़नी है, फ्रेंच पढ़ना है या जर्मन पढ़ना है या और कोई तमिल लैंग्वेज पढ़नी है सपोज करते हैं, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. और हालांकि आपके माइंडसेट में, आपके मन में ये तो सेट है कि भाई इंडिया में जो लॉज हैं वो उतने हाईली इन्फोर्स नहीं होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कंट्री थी, एक ऐसा एरिया था जो अब स्लेव बन चुका था, उनको पहले ही बहुत चीज़ें थोपा गया था, और अब अगर उनसे उनकी भाषा भी छिन गई होती तो इट वॉज़ अ वेरी बैड फीलिंग. तो यही इस पैराग्राफ में उसने बताया है कि मेरा लास्ट क्वेश्चन फ्रेंच का, और अभी तो मैंने हार्डली फ्रेंच में कुछ लिखना सीखा था, क्या मैं अब कुछ नहीं सीखूंगा फ्रेंच के बारे में? क्या मुझे अब यहीं पर रुकना पड़ेगा? और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा है. जब पढ़ने की बारी आती थी तो मैं और सब काम करने लगता था, वाटर सोर्सेस पे मैं स्लाइड्स करने लगता था, तैरने तैराकी करने लगता था, बर्ड्स के एक ढूंढता रहता था. मुझे किताबें जो हैं वो तो नॉनसेंस लगती थी, ख़राब लगती थी, बहुत भारी लगती थी कैरी करने में. मेरी ग्रामर की, हिस्ट्री की किताब, वो सब पुराने दोस्त बन चुके थे. और एम हैमल भी अब मतलब एक ऐसा स्टेज आने वाला था कि जब एम हैमल मेरे लिए एक हिस्ट्री बन गए होते, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको बहुत ख़राब लगी, बहुत ज़्यादा भारी उसके अपने आप को महसूस करने लगा, और उसको मेड मी फॉरगेट. एंड जो उनका रूलर था जिससे वो मारते थे और बेंच पे आवाज़ करते थे, वो रूलर वगैरह के बारे में भी सब भूलने लगा. मतलब अब एक इमोशनल अटैचमेंट उसका होने लगा एम हैमल्स सर से, अपने टीचर से, अपनी बुक्स से, अपने लैंग्वेज से. अब उसको समझ में आया अपने लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंस कि ओ माई गॉड, जो लैंग्वेज मैं अभी तक सीखता आया हूँ बच्चे से लेकर अभी तक, हार्डली मैंने राइटिंग कुछ सीखा है, उसको सडनली छीन लिया गया मुझसे. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब मुझे जाके समझ में आया कि वो इस कक्षा के अंतिम, मतलब इस क्लास के लास्ट क्लास, इस सेशन के, इस सब्जेक्ट के लास्ट क्लास के ऑनर में उन्होंने अच्छा ड्रेस पहना है, संडे क्लॉथ्स पहने हैं, मतलब जो स्पेशल क्लॉथ्स है वो पहना है. और अभी मुझे समझ में आया कि भाई जो हमारे ग्रामीण हैं, जो गांव के जो बूढ़े लोग हैं, वो क्यों आए हैं. मैं आपको बता दूं, एम हैमल हैज़ बिन टीचिंग देयर सिंस लास्ट 40 ईयर्स. पिछले 40 साल से एम हैमल जो है वहाँ पर पढ़ाते आए थे. सो देयर वॉज सम इमोशनल कनेक्शन बिटवीन एम हैमल एंड द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स. इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful services and of showing their respect for the country that was theirs no more. जो लोग आए थे, जो बूढ़े लोग आए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि उनको भी बुरा लग रहा था, उनको भी खराब लग रहा था, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, और वो भी जो है एम हैमल सर के 40 साल के डिवोशन को एक श्रद्धांजलि देने के लिए, मतलब डिवोशन की रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहां पर आए थे. When I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. जब मैं ये सब सोच रहा था तो मुझे मेरे कानों को मेरा नाम सुनाई दिया. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake. मैंने सोचा कि क्या होगा भाई अगर मैं participles का जो rule है वो loud and clear नहीं बोल पाया, काफी confident voice में नहीं बोल पाया, without any mistake अगर मैं नहीं बोल पाया participles को तो क्या होगा. But I got mixed up on the first words and
एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। परफेक्शन की बात छोड़िए, बढ़िया से कंप्लीशन की बात छोड़िए, बिना किसी मिस्टेक की बात छोड़िए, उसने तो शुरू ही किया तो ही कैनॉट स्टार्ट, ही कैनॉट स्टार्ट। जो शुरू के शब्द थे उसी में वो उलझ के रह गया, उसी में वो गड़बड़ाने लगा, वो नहीं बोल पाया। उसका जो दिल था वो धड़कने लगा काफी कस के, और उस साहस इतना नहीं कर पा रहा था कि अपने चेहरे को ऊपर कर कर सर से नजर मिला सके, सर को देख सके। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ। और मुझे सुनाई दिया कि एम हैमल जो है वो मुझे कह रहे हैं कि बाबू तुम बुरा मत फील करो, यू डोंट फील बैड, नो यू शुड ऑलरेडी बी फीलिंग बैड, आई एम नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू। मैं तुम्हें डांटने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें खुद ही अपने आप में ही बुरा फील करना चाहिए। सो हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वट वी हैव कम आउट, आह दैट्स ग्रेट ट्रबल विद अलसेक, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन and you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst poor little friends we have all a great deal to reapproach ourselves with. उन्होंने बताया कि भाई every time we thought कि अरे छोड़ो आज नहीं हो रहा है तो कल कर लेंगे, कल फिर कल वही बात हुई कि अरे यार छोड़ो आज, आज हमारे पास तो बहुत समय है, पूरा session बाकी है, पूरा साल बाकी है, आज नहीं हो रहा है तो कल कर लेंगे, तो that आज नहीं हो रहा है तो कल कर लेने वाली फीलिंग इज वेरी बैड फॉर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यही उसके मास्टर ने, उसके सर ने एम हैमल ने बताया कि बताओ आज ऐसा दिन आ गया है कि तुम ये नहीं बोल सकते हो कि आज नहीं हो रहा है तो कल कर लेंगे, बिकॉज टुमारो यू नॉट हैव द चांस, कल तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। बताओ तुम अपने आप को फ्रेंच मैन बताते हो और कैसा होगा कि लोग तुमको कहेंगे कि तुमको तो ना फ्रेंच लिखना आता है ना फ्रेंच बोलना आता है, ना अपनी लैंग्वेज लिखनी आती है ना बोलनी आती है। खैर तुम सबसे बुरे नहीं हो, स्टिल हमारे पास हमको रिप्रोच करने का टाइम है, वी हैव ग्रेट डील, अभी भी सुधार की गुंजाइश है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, they preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. अब जो है एम हैमल ने स्टूडेंट से उसके पेरेंट्स पे शिफ्ट किया अपना फोकस, और उन्हें बताया कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स भी तो इतने एंग्जियस नहीं थे, चिंतित नहीं थे तुम्हारे पढ़ाई के लिए, उन्होंने भी तो तुमको पढ़ाई छुड़वा छुड़वा कर काम पर भेज दिया, बोला कि जाओ फार्म पर काम करो, एंड आई हैव been to blame also, और मैं भी तो दोषी हूँ, मुझे भी तो blame होना चाहिए। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा था कि जाओ मेरे पेड़ पौधों पर पानी दे दो, मुझे भी नहीं भेजना चाहिए था। उन्होंने खुद को भी दोषी बताया, खुद पे भी दोष लिया कि मुझे भी तो नहीं भेजना चाहिए था। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मुझे fishing करने का मन करता था तो क्या मैंने तुम लोगों को holiday नहीं दिया? तो उन्होंने खुद पे भी ब्लेम लिया, खुद भी माना कि नहीं भाई मैंने भी गलत किया है। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful. एक के बाद एक बात करते 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 उन्होंने फाइनली ये बोला, फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे सुंदर लैंग्वेज है। The clearest, the most logical, that must guard it among us and never forget it. क्यों दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है? क्योंकि सबसे साफ है और सबसे तार्किक है। मैं अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई तो फिर फ्रेंच जो है सो इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है, इंग्लिश क्यों है, या इंग्लिश शायद इंग्लिश तो नहीं, अगर इंग्लिश बेस्ट क्यों नहीं है अगर फ्रेंच बेस्ट है तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश जो है वो इलॉजिकल लैंग्वेज है, मतलब उसमें लॉजिक नहीं है, वो साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है। कहीं पर आप पी यू टी को पुट पढ़ते हैं और कहीं पर बी यू टी को बट पढ़ते हैं। अब वही पी यू टी और पी यू टी है, आगे का मतलब बस चेंज है लेटर्स, तो उसके लिए बट और पुट क्यों हो गया? सी एच से कहीं पर क पढ़ते हैं और कहीं पर च पढ़ते हैं, स्टोमैक और
चैप्टर। तो ये सब जो है ये सब प्रॉब्लम्स है इंग्लिश में, बट ये सब फ्रेंच में प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए उन्होंने बताया कि ये सबसे ज्यादा लॉजिकल है। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to key to their prison. उसने बताया कि जो ये लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज फैक्टर जो है, ये लोगों के लिए स्लेव के समय, अगर वो उनको गुलाम बनाया गया है तो गुलाम बनाने के समय जो लैंग्वेज है, it works as the key to the prison, जो उनकी जो prison है, जो jail है, उसके चाल, उसके ताले की चाबी की तरह लैंग्वेज काम करता है। आप लैंग्वेज से लोगों को यूनाइट करते हैं, लैंग्वेज से लोगों को एक करते हैं। देन ही ओपेंड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेशन, तब उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमें हमारा पार्ट जो है पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं खुद में अचंभित रह गया कि भाई मैं कैसे इतना अच्छा समझ पा रहा था उनके लेशंस को। एंड ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, I think too that I had never listened so carefully. उन्होंने जो बताया, जो बातें बोली, वो इतना आसान लग रहा था, इतना मतलब क्लियर था सुनने में। I was really surprised. और मैंने ये बात भी रियलाइज किया कि मैंने भी कभी इतने carefully उनको नहीं सुना। I also didn't heard him that much carefully. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लगा कि जो हमारे टीचर हैं, जो एम हैमिल हैं, वो चाहते हैं कि वो जितना कुछ जानते हैं वो सब कुछ हमें दे दें, एक झटके में, एक स्ट्रोक में, एक दिन में वो सब कुछ हमें दे दें। But of course it was not possible. After the grammar we had a lesson in writing. That day M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand. फ्रांस अलसाका, फ्रांस अलसाका। उसके बाद हमको एक राइटिंग का पीरियड था, ग्रामर के बाद एक राइटिंग सेशन था। उस दिन एम हेमल सर ने हमें नई कॉपियां दी लिखने के लिए और उसमें बहुत अच्छे ढंग से फ्रांस अलसाका, फ्रांस अलसे कैसा लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो कॉपी जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो लगा कि हमारे फ्रांस का छोटा छोटा झंडा जो है पूरे रूम में लहरा रहा है। It's floating in the room, hung from the road at the top of our desk. और ऐसा लग रहा है कि हमारे डेस्क से, रॉड से जो हमारे डेस्क के टॉप पर वो फ्लोट कर रहा है, लटक रहा है, हंग कर रहा है। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. इतना अच्छा लग रहा था, इतना शांत माहौल था। Oh my God, it was unbelievable. सिर्फ और सिर्फ एक ध्वनि जो वहां पर सुनाई दे रही थी वो है पेन और पेपर के बीच जो फ्रिक्शन का जो साउंड था वो सुनाई दिया। Once some beetle flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. एक बार ऐसा हुआ कि जब हम लिख रहे थे तो कुछ बीटल्स रूम में घुस गई, कुछ कि जो पतंगे होती हैं, जो छोटी छोटी मतलब उसको अपन बीटल्स ही बोलते हैं, जो मधुमक्खी टाइप की जो इंसेक्ट्स, या कुछ इंसेक्ट रूम में घुस गई और किसी ने भी अटेंशन नहीं दिया। जो सबसे बदमाश, सबसे छोटे थे, उन्होंने भी उस पर अटेंशन नहीं दिया, सब कुछ बिल्कुल लिखने में लगे थे। ऑन द रूफ द पिजन्स क्वाइट वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन The pigeons, छत पे जो है pigeons थोड़े लो साउंड में वो लोग सिंग कर रहे थे, गा रहे थे। और मैंने, मेरे मन में एक विचार आया कि क्या ये जो Prussians हैं ये इन pigeons को भी बोलेंगे कि आप भी अब फ्रेंच नहीं बोल सकते, आपको भी अब जर्मन बोलना पड़ेगा, क्या इनके लिए भी ये टर्म्स एंड कंडीशन लागू है। तो ये जो लाइन ऑथर ने यहाँ पर यूज की है, इस लाइन में ऑथर ने बताया है ह्यूमन का हेल्पलेसनेस, कि भाई हम स्लेव हो सकते हैं, जानवर तो हमसे बेहतर हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, जो एनिमल्स हैं, जो पंछियां हैं, वो तो हमसे भी बेटर है, वो स्लेव नहीं है, वो भाषा उनकी छीनी नहीं जा सकती, हमारी तो भाषा भी छीनी जा सकती है। यहाँ पर एक कंपेरिजन किया गया है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, and if he wanted,
As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom. Fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. मैं जब जब लिख लिखने के दौरान मैं सर को देखता था, एम हैमिल सर को देखता था, तो मैं देखता था कि ही इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. जो सर है वो सब कुछ को अपनी नजरों में उतार रहे हैं, बहुत ही सूक्ष्मता से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को. मुझे ऐसा लगा कि वो इन सारी चीजों को अपने मन में समेट लेना चाहते हैं, वो सारी चीजों को अपने मन में फिक्स कर लेना चाहते हैं, सेटअप कर लेना चाहते हैं. कितना अजीब था, हाउ फैंसी इट वॉज. पिछले 40 साल से वो वहीं पढ़ाते थे, वहीं रहते थे, बाहर के गार्डन्स थे उनके, क्लासरूम्स में वो पढ़ाते थे, ऊपर रहते थे, 40 साल से वो वहीं रहते थे, और फिर भी वो चाहते थे कि सब चीजों को अपने नजर में समेट लेना. हाउ फैंसी इट वॉज. जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks for they must leave the country next day. क्या क्या था, डेस्क जो और बेंचेस जो थे वो घस चुके थे, इतना ज़्यादा उस पर उपयोग हुआ था कि उसके जो कॉर्नर्स थे वो घस चुके थे, वॉलनट ट्रीज थे गार्डन्स में, होप वाइन एक तरह की क्रीपर प्लांट्स थी जो उन्होंने खुद लगाया था, वो पूरा विंडोज वगैरह पे उसको विंडोज से लेकर रूफ तक पहुंच चुकी थी. और कितना उनका दिल को आहत पहुंचा होगा जब उन्होंने पिछले 40 साल जिस जगह को डिवोट किया उस जगह को उनको छोड़कर जब जाना पड़ा होगा, तो हाउ बैड इट वुड हैव फिल्ट टू देम. इट वाज रियली अ बैड एक्सपीरियंस. और इसी बीच उन्होंने अपनी सिस्टर का आवाज सुना, सिस्टर उनको बुला रही थी पैकिंग करने के लिए. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, he had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, bu. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was carrying, his voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to cry, laugh and cry. Ah, how well I remembered it, the last lesson. सब कुछ बिल्कुल शांत था, इतना के बावजूद उनका दिल कितना रो रहा होगा, इसके बावजूद उनके पास ये क्षमता थी कि वो सबको सुने. उन्होंने सबका लेसन सुना. जो प्राइमर जो था वो अपनी जो हॉशर था उसने दोनों ही हाथ पे अपनी प्राइमर्स रखी हुई थी, जो किताब होती है वर्ड मीनिंग की, वो रखी हुई थी. लेटर्स को स्पेल कर रहा था, सब कुछ कैद कर रहा था. हम लोगों की जो इमोशंस थी वो मिक्सचर थी, खुशी भी थी, गम भी था. It was a mixture. All at once the church clock struck 12, then the angelus. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under the window. M. Hamel stood up very pale in the chair. I never saw him so tall. 12 बजे, घड़ी के घंटी में 12 बजे, और प्रेयर हुआ. प्रेयर के बाद हम लोगों को डिस्पर्शन होने लगी. डिस्पर्शन प्रेयर एंजेलस का मतलब हुआ. उसके बाद जो प्रूशियंस थे वो रिटर्न हो रहे थे अपने घर के तरफ फ्रॉम आफ्टर ड्रिलिंग, और जो सर थे वो बहुत टॉल लग रहे थे, नॉट टॉल, बहुत दुखी लग रहे थे. यहाँ पर टॉल का मतलब दुखी है. ही वाज लुकिंग वेरी सैड. माय फ्रेंड्स शेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो. उन्होंने कहा मेरे दोस्तों मैं, और उसके बाद वो कुछ नहीं कह सके. उनके गले में कुछ फंस सा गया, जो आवाज़ थी वो नहीं निकल पा रही थी उनकी. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his all might, he wrote as large as he could. वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने blackboard की तरफ घुमा, एक chalk का piece लिया और उन्होंने लिखा wife love France, मतलब long live France, मतलब कि France जिंदाबाद. उन्होंने ऐसा लिखा board पर, वो यही बोलना चाह रहे थे but बोल नहीं पाए, तो उन्होंने blackboard की तरफ घुमा और इसको लिखा. Then he stopped and leaning his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hands, school is dismissed, you may go. बिना घूमे हुए, बिना बोले हुए, जैसे थे उसी स्थिति में उन्होंने बस हाथ से डायरेक्शन दिया सब बच्चों की कि भाई जाओ, छुट्टी हो चुकी है आपकी, यू मे गो. और सब बच्चे चले गए, उन्होंने एक शब्द भी नहीं निकाला, और उनकी आँख, उनका हाथ, उनका जेस्चर बॉडी का, उसी के थ्रू बच्चे समझ गए और बच्चे चले गए. तो इसी प्रकार से हमारा चैप्टर खत्म हुआ.
दो वीडियोस में चैप्टर खत्म हुआ है। अगर दोनों ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा, समरी डिस्कस करूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच, सी यू।